अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफान जुलेखास किचन डॉट कॉम से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। चलिए आज हम बनाते हैं बेहतरीन सी डिश जिसका नाम है स्मोकी मलाई चिकन रैप्स। आप चाहें तो इसे रोल्स भी कह सकते हैं। वैसे आपको तो बहुत ही पसंद आएगी, घर वालों को भी पसंद आएगी, पर बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ज्यादा स्पाइस नहीं है। आप चाहें तो बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं इसे। कुछ फ्रैंकीज की रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। ये है 2 प्याज छिली हुई, 4 हरी मिर्चियाँ हैं, 2 टेबलस्पून कोथमीर और ये है 50 ग्राम काजू। ये सारी चीज़ों को डाल दीजिए मिक्सर जार के अंदर और थोड़ा सा पानी डालकर या बिना पानी डालकर भी पीस सकते हैं आप, तो पीस लीजिए। प्याज को मैं, आप देख सकते हैं, हल्का मोटा मोटा काट कर डाल रही हूँ और प्याज एकदम छोटी भी नहीं थी और एकदम बड़ी भी नहीं थी। ये देखिए अच्छे से एकदम पेस्ट टाइप बना लिया, इसे साइड पर रख दीजिए। ये है 1/2 किलो चिकन बोनलेस, मैंने थाई पोर्शन लिया है, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। चर्बी निकाल ली है 2-3 पानी से धो के, इसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर दिए हैं घर पर ही। आप चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इससे और ज़्यादा छोटे भी कर सकते हैं। चलिए अब इसमें डाल दीजिए 4 टेबल स्पून गाढ़ी दही, 4 टेबलस्पून जितनी मलाई, फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं या फिर पैकेट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पैकेट की डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, वैसे ये घर में बना हुआ अदरक लहसुन है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। आप चाहें तो बाजार का भी डाल सकते हैं। 1 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और ये जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था, पीस के रखा था काजू वगैरह का, वो भी सारा डाल दीजिए। जो भी मिक्सर जार के अंदर चिटका हुआ हो वो सारा डाल दीजिएगा, कुछ भी वेस्ट मत कीजिएगा। और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने रख दीजिए। आप चाहें तो 1 घंटा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 3-4 घंटा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बेस्ट है ओवरनाइट, 3-4 घंटे के लिए रख रहे हैं तो फ्रिज में रखिए और 1.5 घंटे के लिए रख रहे हैं तो बाहर रख सकते हैं। चलिए अब हम हरी मायो डिप बना लेते हैं। ये है 2 टेबलस्पून जितनी कोथमीर, हरा धनिया जिसे कहते हैं, वो 2 हरी मिर्चियां हैं और ये है मायोनीज। एक मिक्सर जार लीजिए, छोटा वाला जार लीजिएगा, उसमें धोकर कोथमीर डाल दीजिए और हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 6 टेबलस्पून जितना मायोनीज। आप ये डालकर बिना पानी डाले बहुत अच्छे से पीस लीजिए। ये देखिए मैंने पीसा है, लेकिन 1 से 2 टेबलस्पून में और एक्स्ट्रा डाल रही हूँ सो दैट और अच्छा पीसा जाए। ये देखिए कितना अच्छा पीस लिया मैंने, इसे आप साइड पर रख देती हूँ। ये बन गई हमारी हरी मायो डिप। एक कढ़ाई के अंदर 2-3 टेबलस्पून जितना तेल डालिए और 1 टेबलस्पून जितना मक्खन बटर डालिए, मस्का। आप चाहें तो मस्का पूरी तरीके से डाल सकते हैं यहाँ पर और तेल को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों डाल रही हूँ। जब पिघल जाए मस्का और तेल तो यहाँ डाल दीजिए 1.5 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ लहसुन और उसे डालकर फ्राई करें तकरीबन 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए फ्राई करके तो अब डाल दीजिए चिकन जो मैरिनेट करने रखी थी आपने फ्रिज में, वो निकाल कर इसमें डाल दीजिए बहुत अच्छे से। और जो भी लगा हुआ हो बर्तन के अंदर वो सारा डाल दीजिएगा मसाला, और वो डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और मीडियम आंच पर इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करें, बार बार चलाते जाएं। 1/4 कप पानी ना मैंने ये मिक्सर जार के अंदर डालकर चला लिया है, हिला लिया है। अब मैं 4-5 मिनट के बाद ना ये डाल देती हूँ पानी, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1-2 उबाल आ जाने दीजिए, जब उबाल आ जाए तो स्लो कर दीजिए चूल्हे को और ढककर चिकन को पकने रहने दीजिए तकरीबन 12 से 15 मिनट, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। 10 मिनट के बाद यहाँ मैंने कोयला जलाने रख दिया है और अब टोटल हो चुकी है 13 से 14 मिनट। और खोल कर देख लीजिए चिकन को, चिकन गल चुकी है कि नहीं। यहाँ मेरी तो चिकन प्रॉपरली गल चुकी है तो मैं कर देती हूँ चूल्हा बंद। यहाँ पर अब ग्रेवी के ऊपर स्टील की वाटी रख दीजिए, उसके ऊपर जो गरम करा हुआ लाल कोयला रखा है वो साइड पर वो डाल दीजिए इसके ऊपर, और जल्दी से 1 टीस्पून जितना घी, तेल या मक्खन डालकर इसे ढककर वजन रख दीजिए इसके ऊपर, साइड पर 8-10 मिनट के लिए रहने दीजिए।
चलिए अब हम रोटी प्रिपेयर कर लेते हैं। मैदे की रैप्स कहिए, रोटी कहिए, तो बड़े से बर्तन के अंदर 2 कप मैदे का आटा डालिए, नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, और 4 से 5 टेबलस्पून मैं असली घी के डाल रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छा मिक्स हो जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से गूंद लीजिए ये आटे को। बहुत ज्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा गूंद ले इस तरीके से। जब अच्छा सॉफ्ट आटा गूंद ले तो थोड़ा सा तेल का हाथ ऊपर लगाकर इसे किचन टॉवल से ढककर 15 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। 14-15 मिनट के बाद इसके किचन टॉवल को हटा दीजिए और ये जो आटा है इसके पेड़े बना लीजिए। मैं तकरीबन 8 से 9 बना रही हूँ। सबसे पहले तवा गरम पे रख दीजिए। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया है आटे का और उसे मीडियम साइज की रोटी बनाइए, एकदम पतली भी नहीं एकदम मोटी भी नहीं। जब मीडियम साइज की बन जाए तो ये जो गरम तवे पर डाल दीजिए और कुछ सेकेंड्स के लिए सिकने दीजिए। 8-10 सेकेंड के बाद पलट डालिए। साइड बाय साइड मैं दूसरी रोटी भी बना लेती हूँ। उलट पलट करते जाइए, मीडियम आंच पर रोटी को सेकिए। यहाँ मैं कपड़े की मदद से रोटी को प्रेस करती जाती हूँ सो दैट अच्छे से सेक सके रोटी को। उलट पलट करते जाए और ऐसे लाइट गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ जाए दोनों ओर से, मतलब हमारी रोटी हो चुकी है, रैप्स हो चुके हैं, तो इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे रोटी कहिए, रैप्स कहिए, बना लीजिए। तकरीबन मैं 4 बना रही हूँ और 4 बाद में बनाऊंगी, तो आप चाहें तो 8 अभी ही बना लें, या आपने अगर 10 का रोटी बनानी है, रैप बनाना है, तो आप 10 बना लें और एक साथ साइड पर रख दें। कुछ घंटे के बाद जब आप सर्व करें तो ये जो कोयला हमने चिकन की ग्रेवी में रखा था ये निकाल कर फेंक दीजिए कोयले को, और एक बार मिक्स कर लीजिए ग्रेवी को, हमारी मलाई चिकन ग्रेवी को। और आप चाहें तो इसे पराठा और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हाँ अच्छा, अगर ठंडी हो गई हो तो इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। चलिए अब हम रोटियां मतलब रैप्स की ओर चलते हैं। ये देखिए मैंने नैपकिन में ढक कर रखा था रोटियों को, कितनी अच्छी सॉफ्ट है अभी तक। अच्छा कुछ घंटे हो चुके हैं तो अब हमें थोड़ी सी गर्म तो करनी ही पड़ेगी रोटियां। तो थोड़ा सा मक्खन लगाएं, गर्म तवे के ऊपर डालें, पीछे की साइड पे भी मक्खन लगाएं, उलट पलट करते हुए अच्छा सा सेक लें। जब अच्छी थोड़ी सी गर्म हो जाए तो निकाल कर साइड पर रख दें। इसी तरीके से मक्खन लगा लगा कर दोनों ओर उलट पलट करते हुए सेकते जाए, क्योंकि रोटियां पकी हुई हैं, सिर्फ सेकना ही है। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा के अच्छे से सेक लीजिए सारी रोटियों को। तो चलिए अब हम बना लेते हैं रैप्स को। ये है गर्मा गर्म रोटियां जो भी हमने फ्राई की हैं मक्खन के अंदर। ये है मलाई चिकन थोड़ी सी ग्रेवी के साथ। वो है मैंने एक प्याज को मोटा मोटा लंबा काटा है और ये आधी शिमला मिर्च को मोटा मोटा लंबा काटा है, ये आप देख सकते हैं। और वो रहा डिप जो हमने साइड पर बनाकर रखा है, अब हम इसे असेंबल करते हैं। प्लेट में बटर पेपर रखिए, गर्मा गर्म रोटी रखिए, चिकन की ग्रेवी को इस तरीके से बीच के पूरे पोर्शन में लंबा फैला दें, और उसके बराबर में ये जो हमने डिप बनाकर रखा है वो भी इसी तरीके से लंबा फैला दें। उसके ऊपर रख दीजिए मज़ेदार सी थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च, और इसे अच्छे से टाइटली रोल कर लें, अच्छे से रैप बना लें इसका, और गर्मा गर्म सर्व करें। तो ये बन गए हमारी बढ़िया सी मज़ेदार सी स्मोकी चिकन मलाई रैप्स। हरी मिर्चियाँ और काली मिर्चों का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिए। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो वो जो हरा डिप के बजाय खूब सारा मायोनीज डाल दीजिए सादा वाला। कुछ रमज़ान की रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।